फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसलिए मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। तो मेरे को अपने फेस के लिए एक सीरम बनाना था, तो मैंने सोचा आज मैं वीडियो बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं सीरम बनाने वाली हूँ। विंटर स्टार्ट हो गए हैं, हमारी स्किन पे कुछ ना कुछ तो हमें लगाने के लिए चाहिए होता है। मेरी स्किन खिंची खिंची होती है, इरिटेशन होती है, इसके लिए तो मैंने सोचा मैं सीरम बनाती हूँ और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करती हूँ। ये सीरम जो मैं बनाने वाली हूँ, सो फ्रेंड्स, ये जो सीरम मैं बनाने वाली हूँ ये आपकी स्किन को लाइट करेगा, आपके डार्क जो स्पॉट्स हो जाते हैं उनको भी फेड करेगा और आपकी जो स्किन को एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट कुची कुची बनाने में हेल्प करेगा। और इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे और आप मेरी सारी वीडियो आसानी से देख सकें। सो फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ आपके लिए, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको। हमें लेना है ऑलिव ऑयल और हमें चाहिए विटामिन ई कैप्सूल और हमें एक मेन चीज़ लेनी है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और हमें लेना है ये टी ट्री ऑयल। देखिए, अभी मैंने इसको ओपन किया है, आप देख सकते हो ये आई थिंक लाइटनिंग ज़्यादा हो रही है, लाइट जिसकी वजह से फोकस नहीं कर पा रहा है कैमरा। तो हमें चाहिए होगा टी ट्री ऑयल और हमें लेना है ये विटामिन ई कैप्सूल, जो हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। और हमें लेना है ऑलिव ऑयल, और आप चाहें तो उसमें स्वीट आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं जिसके पास ऑलिव ऑयल नहीं है। मेरे पास भी ऑलिव ऑयल मेरा फिनिश हो चुका है थोड़ा सा, इसलिए मैं अपना सीरम बहुत थोड़ा सा बनाने वाली हूँ। उसके बाद मैं जब परचेस कर लूँगी तो और ज़्यादा सा बना के रखूँगी। मैं पूरे विंटर इसको यूज़ करती हूँ गाइज, इसके इतने अच्छे रिजल्ट है ना कि हमारे जो स्पॉट्स हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है थोड़ी सी और हमारी स्किन जो रूखी सूखी हो जाती है ना, उस सब में इतना अच्छा वर्क करता है। मैं हर साल विंटर में यही सीरम यूज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ। तो आइए मैं बताती हूँ आपको इसको हमें कैसे बनाना है। मैं इसको बोल में बनाने वाली हूँ। इसके लिए हमें चाहिए एक बोल, छोटा सा बाउल चाहिए होगा, क्योंकि मैं उसको कंटेनर में डायरेक्ट डाल देती बट मैं अच्छे से हमारी चीज़ें जो है ना मिक्स नहीं होती। क्या मैं कर रही हूँ, मैं बकरी हूँ क्या? हमारी चीज़ें जो है ना अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती, इसलिए मैं अपने इस बाउल में बनाऊंगी उसको। उसके बाद मैं उसको एक डार्क कलर के कंटेनर में कर लूंगी और उसको स्टोर करके रख लूंगी और देन डेली यूज करूंगी। तो मैं इसमें अपना ऑलिव ऑयल ऐड कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलिव ऑयल बहुत कम है, इसलिए मैं बहुत थोड़ा सा बना रही हूँ। आप इसको ज्यादा भी बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने बाउल में 2 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग अपना ऑलिव ऑयल ऐड कर लिया। आप देख पा रहे हो, अगर मैं ये ज़्यादा दिखाऊंगी तो ये गिर जाएगा। लाइटिंग का थोड़ा इशू हो रहा है, इग्नोर कीजिएगा, कभी येलो कभी वाइट हो रहा है और नाइट का टाइम है। तो मैंने इसमें ये ऐड कर लिया। अब मैं इसमें ऑलिव ऑयल तो मैंने इसमें ऐड कर लिया, अब हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई कैप्सूल। तो ये मेरा जो क्वांटिटी है बहुत कम है, 2 टेबल स्पून इसमें ऑलिव ऑयल है, तो मैं 3 कैप्सूल लूँगी, उनका ऑयल इसमें ऐड करूँगी। अभी मैं उनको पिंच कर लेती हूँ, फिर ऐड करती हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ये विटामिन ई ऑयल ऐड कर लेती हूँ। 1 मैं इसमें 3 कैप्सूल्स ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कर सकते हो जितना ज़्यादा आपको बनाना है। ये 1.5 टेबल स्पून ही होगा, 2 टेबल स्पून भी नहीं है मेरा ऑयल, इसलिए ये देखिए मैं 2, ये दूसरा भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है, बहुत अच्छे से डाल लेना है। और मैं ये 3 इसको भी ऐड कर लूँगी सारा। ये मैंने 3 कैप्सूल्स का ऑयल इसमें ऐड कर लिया। ये क्या हो रहा है मुझे, मैंने ये 3 कैप्सूल जो है इसमें ऐड कर लिए। अब हमें मेन चीज़ इसमें डालनी है, वो है टी ट्री ऑयल। मैं बताती हूँ आपको इसमें कितना ऑयल ऐड करना है। सो फ्रेंड्स, हमें इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना है, मैं इसमें 2-3 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हो 1, 2 एंड 3, 2-3 ड्रॉप इसमें मैंने टी ट्री ऑयल ऐड किया है। ये एक्ने पोर स्किन है, जिसकी ऑयली स्किन है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप इसमें जिसकी एक्ने स्किन है, एक्ने हो जाते हैं, ऑयली स्किन है, वो टी ट्री ऑयल इसमें ऐड करेंगे, और जिनकी नॉर्मल स्किन है, वो जो भी फेस ऑयल मतलब यूज़ करते हैं, वो इसमें ऐड कर सकते हैं। जो जो ऑयल है, रोजमेरी ऑयल है, वो ऑयल अपनी फेस के अकॉर्डिंग, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 3 ड्रॉप्स अपना ऑयल ऐड कर लिया, क्योंकि मुझे टी ट्री ऑयल इसमें ऐड करना था, क्योंकि मेरी स्किन पर थोड़े थोड़े एक्ने आ रहे हैं, पिंपल्स आ रहे हैं थोड़े थोड़े से, और ज़्यादा मैं इस मतलब उसको अवॉइड भी नहीं कर सकती ना, मेरे स्पॉट्स वगैरह हो रहे हैं, ये आप देख सकते हो ना, इसलिए मैंने इसमें ये टी ट्री ऑयल अपना ऐड किया है। और अब हमको इसको अपनी फिंगर की हेल्प से जो है ना, इसको मिक्स आउट कर लेना है बहुत अच्छे से। मुझे इसको इतने अच्छे से मिक्स करना है, इसीलिए मैं इसको बाउल में बना रही हूँ, वरना मैं डायरेक्ट अपने कंटेनर में इसको डाल सकती थी, ऑलिव ऑयल और विटामिन ई ऑयल एंड ये टी ट्री ऑयल। अब हमको इसको मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं मिलती हूँ आपसे मिक्स करने के बाद। ओके,
सो फ्रेंड्स मैंने देखिए फ्रेंड्स मैंने अपना जो ऑयल है ना इसको सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये मेरा सीरम बनकर रेडी हो गया है फेस पर अप्लाई करने के लिए। मैं डेली सोच रही थी बना लूं और मैं अवॉइड कर रही थी। अब मैं इसको अपने डार्क कंटेनर में डालकर रख लूंगी। अभी मैं इसको इसमें ऐड करने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से और आपको बताती हूँ इसको कैसे अप्लाई करना है। सो फ्रेंड्स मैंने अपने इस डार्क कंटेनर में इसको ऐड कर लिया है। ये देखिए इतना बन चुका है, मैं इसको एक हफ्ते से भी ज़्यादा यूज़ कर सकती हूँ। तो आइए मैं दिखाती हूँ इसको कैसे अप्लाई करना है। नाइट में हमें किसी भी नाइट क्रीम की और किसी भी कोल्ड क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको लगाने के बाद। ये मेरा बाउल में बचा हुआ है, बॉल क्या होता है, ये बाउल में बचा हुआ है। मैं एक्चुअली पागल हो गई हूँ, आपको मेरी वॉइस चेंज लग रही होगी, आप समझ पा रहे हो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी तक मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो पाई और मेरा छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ था गाइस। तो बताती हूँ आपको इसको लगाना कैसे है। इसको लेना है और पहले ऐसे लगाना है अपने फेस पर, ऐसे ऐसे करना है, इसको ऐसे अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद हमें अपनी फिंगर की हेल्प से इसको बहुत अच्छे से मसाज देनी है थोड़ी सी। अगर आप डेली नाइट में अपने फेस पर इस ऑयल से मसाज कर लोगे ना गाइस, सारी स्किन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी 100%। आप बोलोगे मिस मिनालो ने हमें क्या बताया, ये किसी भी कोल्ड क्रीम की आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर विंटर आते हैं कोल्ड क्रीम वगैरह यूज करते हैं तो उससे हमारी स्किन डार्क हो जाती है, कितनी ज्यादा बेकार हो जाती है। लेकिन आप अगर इसको यूज करोगे ना आपके सारे स्पॉट्स चले जाएंगे, आपकी स्किन लाइट हो जाएगी, मतलब आपकी स्किन गोरी नहीं हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपकी स्किन फेयर हो जाएगी, मैं ये कह रही हूँ जो आपकी एक्चुअल स्किन है ना वो बाहर निकल कर आ जाएगी, एकदम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ एक चीज़ का आप ध्यान रखें, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आपको अपने सीरम बनाना है, उसमें वही ऑयल ऐड करना है। मेरी स्किन ऑयली है और थोड़ी सी एक्ने वगैरह आ रहे हैं इसलिए मैंने उसमें टी ट्री ऑयल ऐड किया। आप कोई भी और अपने फेस के अकॉर्डिंग फेस ऑयल उसमें ऐड कर सकते हैं और इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। ऐसे अप्लाई कर लेना है। मैं इसको बहुत अच्छे से अप्लाई करूंगी, बहुत अच्छे से मसाज दूंगी और सो जाऊंगी ओवरनाइट में। आप एक बार मेरे कहने से जरूर करना गाइस प्लीज, उसके बाद मुझे अपना फीडबैक देना कि आपको कैसा लगा और कितना अच्छे रिजल्ट मिले आपको, मुझे बिल्कुल बहुत जरूर बताइएगा। और 100% मेरा प्रॉमिस है आपसे कि ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा कर देगा और आपकी स्किन बिल्कुल भी डार्क नहीं होगी, सारे स्पॉट्स जाएंगे और आपकी स्किन इतनी लाइट इतनी हेल्दी हो जाएगी ना, इतनी कुछ कुछ हो जाएगी कि आप बोलोगे बहुत अच्छी चीज बताई है। सो फ्रेंड्स देखो मैंने अच्छे से 5 मिनट मसाज कर लिया, मेरी स्किन कितनी लाइट हो रही है, लाइट बोल रही हूँ, कितना ग्लो कर रही है। हमें इसको रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, अपनी स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगा ये बहुत अच्छे से और फिर आप देखो कि आपकी स्किन कितनी अच्छी हो जाएगी और आपको किसी भी क्रीम की विंटर क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% मेरा प्रॉमिस है आपसे, बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपकी स्किन। एक बार ज़रूर इसको अप्लाई करें। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये मेरी वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप दिस हेल्प।